हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके बारे में देखा था, एंड लास्ट में हमने फोर्स न्यूमेरिकल्स भी मैंने बताया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली आप कोई भी टेस्ट दोगे तो उसमें वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने ये बताया था कि आप लोग उसका रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं यदि पॉसिबल हो, क्योंकि हर टाइम आपको रिजल्ट डिराइव करने में क्या होता है, टाइम लगता है। आज हम क्या देखेंगे कि कंडक्टेंस देखेंगे। मैंने क्या बताया, बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो हमने रेजिस्टिविटी भी देखा, कंडक्टिविटी भी देखा, रेजिस्टेंस भी देखा। आज हम क्या देखेंगे, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की रेसिप्रोकल को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो जी, इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या होगा, 1/r, वेयर r क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर्स, ठीक है। और r जैसा कि आप जानते हैं, r इक्वल टू क्या होता है, रो l अपॉन a। तो हमने r का वैल्यू रख दिया, तो a अपॉन क्या हो जाएगा, रो इनटू l। अब SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज कॉल्ड सीमेंस। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है, सीमेंस होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, MHO, ओम्स का जस्ट OMH लिखते थे, तो जस्ट उसका क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ डायमेंशन ऑफ क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हमने डायमेंशन, यहां डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा, एम के पावर माइनस वन, एल के पावर माइनस टू, टी रेस टू थ्री आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस के बारे में बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब क्या पढ़ेंगे हम, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ, दो लॉ होता है ना, जिसको हम क्या, देयर आर टू किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने क्या बताया था कि दो लॉ बताया था उन्होंने, फर्स्ट लॉ बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ, और इसी को करंट लॉ और जॉनसन लॉ बोलते हैं। तीन नाम से इसको हम जानते हैं। यदि मैं बोलूं, कभी कभी भी पूछा जाता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, ये नहीं पूछा जाएगा कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है या किरचॉफ्स जॉनसन लॉ क्या है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे बोल दिया जाए व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और उसमें फोर स्टेटमेंट दिए रहेंगे, और आपसे पूछा जाएगा चूज करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको इसको हम तीन तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ, और इसी को हम बोलते हैं करंट लॉ, फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, और इस तीसरा जो नाम है इसका जॉनसन लॉ बोलते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलते हैं हम इसको, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा जो लॉ है, सेकंड लॉ बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं, या पोटेंशियल और वोल्टेज, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज लॉ भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल और वोल्टेज लॉ भी हम इसको बोलते हैं। तो हम वन बाई वन देखेंगे कि किरचॉफ्स पोटेंशियल लॉ और वोल्टेज लॉ क्या होता है, ठीक है। तो पहला जो लॉ है वो क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, KCL। तो KCL सबसे पहले क्या है, KCL लॉ यूज करने से पहले हम क्या देखेंगे कि नोड क्या होता है। देखो, किरचॉफ्स करंट लॉ का मतलब क्या होता है, टोटल करंट कमिंग एट एनी नोड मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द नोड। इसका मतलब क्या होता है, टोटल करंट, देखो क्या है, नोड का मतलब क्या होता है, ये भी आपको जानना चाहिए, नोड का मतलब क्या होता है और जंक्शन का मतलब क्या होता है, कि द पॉइंट एट विच टू और मोर देन टू करंट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, सच पॉइंट इज कॉल्ड नोड्स और जंक्शन।
ठीक है। तो यहां देखो, एक वायर देखो, एक वायर ये है, एक वायर ये है और एक वायर ये है, तीन वायर इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, नोड बोलेंगे, नोड और क्या, जंक्शन, ठीक है। अब किरचॉफ्स ने क्या बताया था, देखो अब इस वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा, इसमें हमने मान लिया कि I1, इसमें क्या है I2, और इधर करंट मान लो कि क्या I जा रहा है। तो किरचॉफ्स ने क्या बताया था कि टोटल करंट कमिंग टू द नोड, सम ऑफ करंट कमिंग एट द नोड मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम द नोड। सम ऑफ, देखो ध्यान से सुनो, किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार क्या होता है कि सम ऑफ करंट कमिंग एट द नोड और जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम द नोड और जंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू KCL, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू KCL है ना, सम ऑफ करंट कमिंग एट द नोड, सम ऑफ करंट कमिंग एट द नोड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, ठीक है। तो देखो यहां सम ऑफ करंट, यहां करंट, सम ऑफ करंट कमिंग टू द नोड, आई मीन नोड की तरफ कौन सा करंट आ रहा है उन सबको ऐड कर देंगे, और जो नोड से अवे जा रहा है उनको हम ऐड करेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, तो इसके अनुसार क्या होगा, देखो ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई कमिंग एट नोड इज इक्वल टू सिग्मा आई गोइंग अवे फ्रॉम नोड, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो करंट इस जंक्शन पे आ कौन कौन सा रहा है, I1 एंड I2, तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, सम ऑफ फर्स्ट लॉ, सम ऑफ करंट कमिंग एट द नोड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, क्या है, सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम द नोड। उसके बाद इसको दूसरी तरह से भी हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो I1 प्लस I2 माइनस I इज इक्वल टू जीरो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस माइनस I इक्वल टू क्या होगा, जीरो। दूसरे तरह से हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट्स एट द नोड मस्ट बी क्या होगा, जीरो। तो इसको हम इन अदर वे क्या लिख सकते हैं, इन अदर वे वी कैन से दैट कि सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी नोड और जंक्शन मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी जीरो, ठीक है। अनदर वे से हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल करंट्स एट द नोड मस्ट बी क्या होगा, जीरो। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन, दिस मीन्स दैट, देखो तो सम ऑफ करंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ करंट पॉजिटिव होगा और कुछ करंट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां हम क्या मानेंगे, नोड में मैं लिख देता हूं कि
Current coming at the node is taken to be positive and current going away from the node is taken as क्या होगा negative. तो यहां हम क्या consider कर रहे हैं, current लिखेंगे, current coming at the node are taken as positive while current going away from the node currents going away from the node are taken as negative. तभी तो सबका सम क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, तो ये चीज एक किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है. अब देखो, जैसे आपसे पूछा जाएगा तो इसके बाद एक पॉइंट नोट में रखना है, यहां क्या है नोट में लिखना है, ये पूछा भी गया है. अब देखो क्या है, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होता है, चार्ज होता है. इसका मतलब क्या है, चार्ज कमिंग एट द जंक्शन पर यूनिट टाइम मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, चार्ज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन पर यूनिट टाइम. दिस मीन्स दैट यदि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनवैलिड हो जाए तो KCL जो होगा वो वैलिड नहीं होगा. क्या होगा, KCL वैलिड नहीं हो सकता है. ठीक है, क्या हो सकता है, KCL इनवैलिड हो जाए. इसका मतलब ये हुआ कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्या है, वैलिड है. क्या है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो हम नोट में क्या लिखेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और करंट लॉ और करंट लॉ और जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्या है, वैलिड है. इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनवैलिड हो जाएगा तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो होगा वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा. समझ में आया आपको, तो ये जनरली पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है, खासकर नीट में तो डायरेक्ट पूछा जाता है. ठीक है, ये आपको ध्यान देना है. इसके बाद अब इसमें हम एक दो एग्जाम्पल कंसीडर सॉल्व कर लेते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए. जैसे देखो, यहां 25 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां से 10 एम्पियर आ रहा है ना, यहां 5 एम्पियर करंट जा रहा है. ठीक है, क्या है, 5 एम्पियर करंट जा रहा है और इधर जो करंट है, इधर जो करंट है तो मान लो 15 एम्पियर जा रहा है, तो इधर भी करंट जाएगा, ये I1 होगा और क्या होगा, I2 होगा. अब देखो यहाँ नोड कितने हैं, नोड जानना जरूरी है, जहां जहां ज्वाइंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड नोड और इसी को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन. ये भी है एक, ये भी क्या है, नोड और क्या है, जंक्शन. ठीक है, यहां भी क्या है,
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नोड, और इसी को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई वन एंड आई टू इन द शोन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई वन एंड आई टू इन शोन फिगर। अब देखो जहां जहां नोड है वहां वहां क्या करना है आपको, KCL यूज करते जाना है जहां जहां नोड में। अब देखो यहां यहां से कितना ए नोड हुआ, इस नोड पे करंट कितना आ रहा है, 35 एम्पियर करंट आ रहा है। तो यहां से जाएगा कितना करंट, यहां से करंट कितना जाएगा, 35 एम्पियर। अब 35 एम्पियर करंट में, अब देखो इस नोड पे करंट आ कौन सा रहा है, 35 एम्पियर आ रहा है, और जा कौन कौन सा करंट आ रहा है, 15 प्लस I2, यही होगा ना। तो देखो तो यहां इधर 15 जा रहा है तो इधर कितना होगा, 25 एम्पियर करंट, नहीं 25 नहीं होगा, कितना होगा, 20। ठीक है, अब देखो यहां इस नोड पे करंट आ कितना रहा है, 15, और जा क्या रहा है, आई वन एंड 5 एम्पियर। तो इधर 5 जा रहा है तो ऑब्वियसली इधर क्या होना चाहिए, दिस इज नथिंग बट द 10 एम्पियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 एम्पियर करंट होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं हेंस, यहां देखो हेंस लिख सकते हैं, हेंस सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं आई वन, ठीक है, इज इक्वल टू 10 एम्पियर, आई टू इज इक्वल टू कितना होगा, 20 एम्पियर। ठीक है, और देखो यहां ध्यान से पूछा जाएगा, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, और कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो फोर स्टेटमेंट दिया हुआ, क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, फोर स्टेटमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मास, बी में क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सी में क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सी में एनर्जी, डी में क्या है मोमेंटम। ठीक है, तो आपसे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है मास, दूसरा ऑप्शन क्या है चार्ज, तीसरा ऑप्शन क्या है एनर्जी, और चौथा ऑप्शन क्या है मोमेंटम। तो अभी मैंने बताया था कि किरचॉफ्स जो फर्स्ट लॉ है वो किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्या होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। ते आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेकेंड लॉ पे, केस किरचॉफ्स सेकेंड लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज और पोटेंशियल पोटेंशियल लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं KVL, और इसी को हम क्या बोलते हैं और लूप लॉ, इसको तीन नामों से हम जानते हैं।
ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने कैपेसिटर जब पढ़ा रहा था तो वहां मैंने बताया भी था कि इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लूप सिलेक्ट करते हैं, और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि सम ऑफ पोटेंशियल चेंज अक्रॉस ईच करंट एलिमेंट इन अ क्लोज लूप मस्ट बी ऑलवेज जीरो। क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल चेंज्ड या सम ऑफ पोटेंशियल राइज और फॉल इन अ क्लोज लूप मस्ट बी ऑलवेज जीरो। ठीक है, यही क्या होता है, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या लिख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रूव भी करता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सम ऑफ पोटेंशियल चेंज सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल है ना, या सम ऑफ पोटेंशियल सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल है ना, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस ईच करंट एलिमेंट each current elements in a closed loop must be, क्या होगा, must be zero। इसको दूसरी तरह से भी हम डिफाइन करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो क्या है, according to this law sum of change in potential across each current element in a closed loop must be zero। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप अक्रॉस ईच एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। ठीक है, जैसे देखो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा डेल्टा वी हम लिखते हैं, डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ, इन अ लूप, इन अ क्लोज लूप मस्ट बी जीरो। एक है, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच करंट एलिमेंट इन अ क्लोज लूप मस्ट बी क्या होगा, जीरो। जैसे आप देखो, एग्जांपल के लिए देखो, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, एक सिंपल रेजिस्टेंस ले लिया, आर वन आर टू रेजिस्टर है, आर वन आर टू क्या है, रेजिस्टेंस है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी का जो ईएमएफ है उसको हमने क्या मान लिया, वी। ठीक है, अब ऑब्वियसली क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा। अब देखो क्या है, इसको लूप मान लें ए बी, और ये क्या है, तो ए बी, यहाँ हमने सी और यहाँ हमने डी लिख, तो एक लूप मैं ऐसे मान रहा हूं, ये लूप क्या है, करंट के डायरेक्शन में, क्या है ये लूप, करंट के डायरेक्शन में, यहाँ ए, यहाँ बी मान लो, यहाँ सी, यहाँ डी मान लो, और यहाँ ई मान लो। ठीक है, अब देखो यदि मुझे लिखना हो, अब देखो ड्रॉप जो लिखते हैं वो दो तरह से लिखते हैं, फाइनल माइनस क्या होगा इनिशियल, और इनिशियल माइनस क्या होगा फाइनल। तो हम हमेशा, मैंने बताया था कि जब भी हम चेंज लिखते हैं तो फाइनल माइनस हम क्या लिखते हैं, इनिशियल लिखते हैं, यही हम यूज करेंगे। तो यहां देखो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, यहां पोटेंशियल क्या होगा, वीए होगा, और यहां क्या होगा, वीबी। तो वीबी
माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखो ये क्या है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ वी ए क्या होगा हायर होगा, वी बी क्या होगा लोअर होगा। और आपको ये मालूम है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो हम प्लस माइनस आई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे आई इंटू क्या लिखेंगे आर वन, माइनस यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये चेंज क्या है निगेटिव है। सिमिलरली हम वी सी माइनस वी बी लिखें, वी सी माइनस वी बी, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं माइनस आई, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं वी ई माइनस वी डी, देखो वी ई माइनस वी डी इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं, आई मीन वी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन वन इक्वेशन टू, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सी एंड डी जो होगा वो सेम पोटेंशियल पे होगा, तो हम डी और ए एंड ई जो होगा वो सेम पोटेंशियल पे होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां लिख सकते हैं वी ए माइनस वी सी इक्वल टू क्या है वी ए थ्री हो गया। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, वी गेट, इसको जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से ये सब कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो ये आपको क्या मिलेगा वी माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू इक्वल टू क्या हो गया जी, देखो तो यही सम ऑफ पोटेंशियल हुआ, क्या क्या हुआ सम ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो यही तो मैंने ये बताया था आपको। तो यहां से इसको हम शायद ऐसे, अब देखो हमने क्या है लूप यहां करंट के डायरेक्शन में, तो यहां देखना ये क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो दिस इज, इसको क्या लिखेंगे वी आर वन लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं वी आर टू, तो जब क्या होगा करंट के डायरेक्शन में हम यदि लूप कंसीडर किए तो व्हाइल गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट टेक पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर निगेटिव आई मीन माइनस आई आर, और व्हाइल गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट टेक पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर प्लस आई आर, ये आपको ध्यान देना है जब भी आप लिखोगे, ठीक है ये बात। तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं आई आर वन प्लस आई आर, ठीक है, क्या होगा आई आर वन प्लस आई आर। यहां से एक और भी स्टेटमेंट आ रहा है कि सम ऑफ पोटेंशियल, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल द बैटरीज, यही होगा क्या, देखो ध्यान से अभी हमने एक ही बैटरी कनेक्ट किया है, तो दूसरी तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ को कि क्या है सम ऑफ पोटेंशियल, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस ईच करंट एलिमेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू ई एम एफ ऑफ द बैटरी, ई एम एफ ऑफ अप्लाइड बैटरी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन अनदर वे, या दूसरे तरह से हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू के वी एल सम ऑफ ई एम एफ ऑफ या सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर
must be equal to sum of EMF of applied battery. ठीक है, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, इसको सोच सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। अब देखो हमने लूप कौन सा कंसीडर किया है, करंट के डायरेक्शन। आप बोलोगे सर क्या वही डायरेक्शन में भी ऐसे ही होगा क्या, बाद में आप देखो दोनों तरह से हम कंसीडर करेंगे दोनों तरह से। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से सोच रहे हैं। अभी हमने क्या है, लूप कंसीडर लूप इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द करंट। ठीक है कि आपको समझ में आए। सेमी एग्जांपल हमने लिया, यहां हमने क्या किया है देखो ध्यान से, अब हम लूप कैसे मान रहे हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, आपको थोड़ा भी डरना नहीं है। अब हमने यहां लूप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया, ए बी सी डी। ठीक है, यहां भी देखो आप हमेशा क्या लिखना है, ड्रॉप हमेशा क्या लिखना है, फाइनल माइनस क्या है इनिशियल, ऑलवेज क्या लिखना है फाइनल माइनस। देखो ये लूप लॉ यूज करने आना चाहिए तुमको, क्योंकि हमेशा बोर्ड में भी आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये लूप लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज करंट इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न। ठीक है, तो हमने इसका वैल्यू जो माना है क्या मान लिया, आर वन आर टू। हमेशा मुझे ड्रॉप लिखना है तो वो क्या लिखना है, अब हम कैसे जाएंगे यार, अपोजिट डायरेक्शन, क्या है अपोजिट डायरेक्शन। तो अब हम लिखे क्या, बी सी, हमने बताया था कि चेंज हमेशा क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस क्या लिखना है इनिशियल क्या लिखना है। अब हम ऐसे चल रहे हैं तो देखो एक बी जो होगा वो इनिशियल होगा और सी जो होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल। और करंट याद रखना है कि ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आप देखोगे तो आप यहां से बता भी सकते हो कि ये जो होगा वो क्या होगा, प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। उसी तरह ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, यहां ये माइनस और ये क्या होगा, प्लस होगा। तो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, तो हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग है ना, देखो यहां से लूप लॉ हम ऐसे भी यूज करें, अप्लाइंग KVL इन क्लोज लूप। क्लोज लूप क्या होगा, देखो ध्यान से, अब हम ऐसे चल रहे हैं, अब आप बताओ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, प्लस IR होगा या माइनस IR। देखो तो इसके अक्रॉस क्या होगा, प्लस IR या माइनस IR, प्लस IR। क्यों, क्योंकि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम बी ए बी सी डी ए ऐसे लिखेंगे, तो ए बी क्लोज लूप हम यहां लिखेंगे ए, या यहां लिख देता हूं A, B, C, D, A। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, देखो प्लस फाइनल माइनस, फाइनल ये हुआ इनिशियल ये हुआ, तो हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आई आर होगा। अब साइन आपको खुद से लिखना है, तो क्या लिखेंगे, प्लस आई, ठीक है आई मान लो यहां आई आर टू, प्लस आई R1। यहां ड्रॉप क्या होगा, बैटरी का जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि मुझे क्या लिखना है, फाइनल माइनस क्या लिखना है, इनिशियल। तो फाइनल लोअर टर्मिनल पे है, I mean, निगेटिव है और इनिशियल क्या है, पॉजिटिव है, तो चेंज क्या होगा, निगेटिव होगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस वी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो देखो यहां से भी क्या हुआ, वी इक्वल टू आई आर वन प्लस क्या हुआ आई, तो इससे भी मालूम चल जा रहा है, देखो आइदर आप लोग किसी तरह भी कंसीडर करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां भी मालूम चला कि सम ऑफ पोटेंशियल इन पोटेंशियल अक्रॉस ईच करंट एलिमेंट इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू
सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल द अप्लाइड बैटरीज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि आइदर आप लूप क्लॉकवाइज कंसीडर करो और एंटी क्लॉकवाइज, आई मीन सॉरी, करंट के डायरेक्शन में और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, आंसर जो होगा ऑलवेज क्या होगा, सेम आएगा। अब याद यहां रखना है कि व्हाइल गोइंग, व्हाइल क्रॉसिंग द रजिस्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, टेक पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव, एंड व्हाइल गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव। ये मैं लिखूंगा इधर, है ना। तो यहां एक बात, यहां क्या नोट में लिखना है, कि व्हाइल, पहला पॉइंट क्या लिखना है, देखो ध्यान से, व्हाइल क्रॉसिंग द रजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक चेंज इन पोटेंशियल माइनस आई इंटू आर। ठीक है, जैसे देखो हमने क्या किया, यहां करंट जा, ये क्या है, रजिस्टर है, हमने करंट भी क्या है ऐसे ही मान लिया, और लूप मान लो कि ऐसे ही इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में, आई मीन लूप हमने करंट के डायरेक्शन में कंसीडर किया है, तो यहां जो देखो ये क्या होगा, ए जो होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ, तो यहां जो ड्रॉप लिखोगे, आई मीन चेंज लिखोगे, चेंज इन पोटेंशियल या डेल्टा या वी लिखोगे, वो क्या लिखोगे, माइनस आई आर व्हाइल गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये ध्यान देना है, व्हाइल क्रॉसिंग द रजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक चेंज इन पोटेंशियल माइनस आई आर। ठीक है, दूसरा क्या है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो स्टेटमेंट है कि व्हाइल क्रॉसिंग द रजिस्टर इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, दैट इज प्लस आई आर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये रजिस्टर है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन हमने लूप कैसे, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखो अगेन क्या होगा, प्लस, और यहां क्या होगा, माइनस, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इधर से करंट आई जा रहा है, तो यहां जो आप ड्रॉप लिखेंगे, आई मीन भी लिखेंगे, भी इक्वल टू क्या होगा, प्लस आई, क्या होगा, प्लस आई आर होगा, क्यों, क्योंकि हम क्या है, लो से हाई, ऑलवेज क्या लिखना है, चेंज, हमेशा एक ही रूल याद रखो कि फाइनल माइनस इनिशियल लिखो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कहीं इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिखोगे तो क्या होगा, रॉन्ग आएगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है व्हाइल क्रॉसिंग द बैटरी फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, क्या है, व्हाइल क्रॉसिंग द
बैटरी व्हाइल क्रॉसिंग द बैटरी फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल या टर्मिनल लोअर टर्मिनल चेंज इन पोटेंशियल ये भी मैं आपको बता देता हूं. चेंज इन पोटेंशियल टेक चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव दैट इज माइनस बी क्या है यहां ईएमएफ ऑफ द बैटरी ये याद रखना. जिसे देखो यही क्या है बैटरी दिया हुआ ये बैटरी है और ये हाई टर्मिनल और ये लो टर्मिनल. हम कैसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं ऐसे हमने लूप कंसीडर किया है ऐसे तो ये हायर टर्मिनल हुआ. देखो इसको हम क्या बोलते हैं लोअर टर्मिनल लोअर टर्मिनल और दिस इज कॉल्ड हायर टर्मिनल. तो यहाँ जो ड्रॉप हमेशा क्या लिखना अभी क्या होगा पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव. तो यहाँ जब ड्रॉप लिखोगे तो क्या लिखोगे माइनस क्या लिखोगे माइनस. तो यहाँ चेंज इन पोटेंशियल यहाँ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस. क्योंकि यहाँ क्या है हाई टू लो जा रहा है. उसके बाद चौथा जो पॉइंट है व्हाइल क्रॉसिंग द बैटरी फ्रॉम लोअर टर्मिनल लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल हायर टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप या चेंज इन पोटेंशियल चेंज टेक चेंज इन पोटेंशियल क्या है टेक चेंज इन पोटेंशियल टेक चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू प्लस. ठीक है ये आपको ध्यान देना. जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि आपको समझ में आएगा. उसके बाद ये देखो एग्जांपल क्या है. जैसे हमने क्या है यहां ये V1 दिस इज V2 R1. अब मुझे मालूम नहीं है कि देखो जस्ट मैं बता रहा हूं यहां कौन सा किधर से भी आप करंट कंसीडर कर लो. तो करंट हमने मान लिया कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. हमने क्या माना आई ऐसे अब लूप हमने यहां फर्स्ट केस में क्या है सिंपल इसमें पूछा जाएगा फाइंड करंट ऐसे पूछा जाएगा कि फाइंड करंट है ना फाइंड करंट इन द सोन फील्ड. ठीक है अब देखो यहां लूप हम लूप कैसे कंसीडर कर रहे हैं लूप ऐसे कंसीडर कर रहे हैं. यहां मैंने क्या किया करंट की डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया ये बी. ठीक है सी ये डी हो गया तो ये भी डी होगा और ये हो गया. अब हमने क्या किया यहां देखो जस्ट मैं समझा रहा हूं आपको ध्यान देना है. नाउ अप्लाइंग के वी एल इन अ क्लोज लूप क्लोज
लो ए बी सी डी ए। अब देखो हम कहां से चल रहे हैं, ए से। तो देखो लूप के डायरेक्शन में मुझे हमेशा चलना है, तो ए से देखो तो ए हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल जा रहा है। तो मैंने क्या बताया है कि व्हाइल क्रॉसिंग द बैटरी फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी विल बी नेगेटिव एंड इट विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो हम यहां क्या लिखेंगे, माइनस वी टू। ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस वी टू। रेजिस्टर को क्रॉस करते हैं यदि करंट के डायरेक्शन में तो क्या लिखना है, माइनस आई आर। व्हाइल क्रॉसिंग द रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट टेक पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस आई आर। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू आर वन। उसी तरह यहां भी क्या लिखेंगे, आर टू को देखो तो हम करंट के डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस आई आर टू। अब देखो इस बैटरी को हम कैसे क्रॉस कर रहे हैं, लो टर्मिनल टू हाई टर्मिनल। तो हम क्या लेंगे, पोटेंशियल चेंज कितना लेंगे, प्लस वी वन। प्लस वी वन इक्वल टू क्या हुआ, जीरो। ठीक है, क्या हुआ, प्लस वी वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखो क्या हुआ, आई, अब आई इंटू आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वी टू, सॉरी वी वन माइनस वी टू। तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ, वी वन माइनस वी टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। क्या मिला, आर वन प्लस आर टू मिलेगा। आप बोलोगे सर नहीं, हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में लूप कंसीडर करेंगे। तो देखो मैं अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करके बता रहा हूं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये मेथड टू नहीं है, जस्ट मैं लिख देता हूं, मेथड टू नहीं है, मेथड एक ही है, दूसरा मेथड नहीं है। तो यहां देखो जस्ट आपको समझना है, यहां ये आर क्या है, आर वन आर टू वी वन वी टू, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, नेमिंग दे दें इसके नोड, आई मीन ए, ठीक है, बी सी डी, ये भी डी होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, हम लूप अपोजिट डायरेक्शन में मान लिए, ठीक है, यहाँ लूप लिख लेना। एरो क्या मतलब क्या हुआ, वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब हम ऐसे चलेंगे तो अब देखो कहां से चले, चलो अब कंसीडर कर लेते हैं, यहां से चलेंगे कहीं से चलो। अब लिखेंगे अप्लाइंग अप्लाइंग के वी एल इन क्लोज लूप, क्लोज लूप कहीं से हम चल सकते हैं, देखो ए डी सी बी ए, ए डी सी बी ए, ठीक है, केवल तो पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है, दूसरा कुछ नहीं, यही लिखने आपको आ जाना चाहिए। अब अगेन देखो हम कहां से चले, ए से चल रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो तो यहां इस बैटरी को क्रॉस कर कहां से कर, हाई टू लो क्रॉस कर रहे हैं क्या, हाई टू लो, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस वी वन। अब यहां आओ देखो तो इस रेजिस्टर को करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्लस आई आर। तो क्या लिखेंगे आप, प्लस आई आर टू। उसी तरह इस रेजिस्टर को हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस आई आर वन। उसके बाद आप आइए वी टू, वी टू को देखो बैटरी, इस बैटरी को हम लो टर्मिनल टू हाई टर्मिनल, आई मीन व्हाइल क्रॉस, हम किधर से लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल जा रहे हैं क्या, तो चेंज क्या होगा, प्लस ईएमएफ ऑफ द बैटरी, प्लस ईएमएफ ऑफ द बैटरी इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखो अगेन आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू
v1 minus v2, yeah, I is equal to v1 minus v2 upon r1 plus r2. देखो दोनों मेथड से दोनों तरह से आंसर सेम आया क्या? ते आप पे डिपेंड करता है, कुछ नहीं सोचना है। करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप माइनस IR लेना है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस IR लेना है। जब बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं तो हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस EMF ऑफ द बैटरी, जब लो टू हाई जा रहे हैं तो प्लस EMF ऑफ द बैटरी, ठीक है। अब इसके बाद नोट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है जो अगेन पूछा जाता है, ठीक है, कि किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ और वोल्टेज लॉ और लूप लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ध्यान देना है, किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किर्चॉफ सेकेंड लॉ जो है वो किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन, देखो एग्जाम्पल पूछा गया है कि किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन इसमें ऑप्शन दिया रहेगा मास, बी में क्या है चार्ज, सी में क्या है एनर्जी और डी में क्या है मोमेंटम। तो आपको यदि ये मालूम है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? क्या होगा? सी होगा, ठीक है। तो ये किर्चॉफ्स लॉ दोनों लॉ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ सम देखेंगे, सो दैट आपको किर्चॉफ्स लॉ आ जाए अच्छे से कि हाउ टू यूज किर्चॉफ्स लॉ इन अ लूप, ठीक है। ओके, थैंक यू।